तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, क्वेश्चन थे कि भैया आप जो पानी पूरी का पानी बनाते हो तकरीबन 20 लीटर में कितनी इमली लगेगी, क्या क्वांटिटी लगेगी। तो इस वीडियो में मैं सारी बात बताने वाला हूं। तो मैं पहले बता दूं कि मैं एक पानी पूरी वाला हूं, तो भाई बेस्ट आइडिया देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो, नहीं तो वीडियो देख के सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो ये रही दोस्तों तकरीबन 2 किलो के आसपास इमली है। अभी देख सकते हो इसका पल्प निकलने लगा है हल्का हल्का, ये देखो इसका पल्प निकलने लगा है। तो जब ये 15-20 मिनट और फूल जाएगी तो इसका पल्प हम लोग पूरा निकाल देंगे। अब इसमें से 2 किलो इमली है, इसमें से 1.5 किलो इमली का पानी पूरी का पानी बनाऊंगा और 1/2 किलो इमली की मीठी चटनी बनाऊंगा। तो पूरा प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा और मैं अपना पानी कैसे बनाऊंगा वो भी दिखाऊंगा। तो मुझे ना अंदाजा है कि मैं अपने पानी में कितना सामान डालता हूं, उतना सामान डालूंगा, टेस्ट भी नहीं करूंगा, फिर भी मेरा पानी परफेक्ट बन जाएगा। तो वीडियो में आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो अंदाजा एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं होगा, तो आप लोगों को ना शुरू में टेस्ट करना ही पड़ेगा, कितनी इमली डालनी है वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 किलो इमली, और इमली में क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि इमली कहीं कहीं की खट्टी कम होती है। हम लोग के एरिया की जो इमली है वो काफ़ी खट्टी होती है, तो हम लोग को ना कम क्वांटिटी में काम चल जाता है। तो दोस्तों ये जो इमली मैंने आपको दिखाई ना, तो ये बीज वाली इमली है, और एक इमली आती है जिसमें बीज निकाल दिए जाते हैं, तो वो इमली मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये रही फूल वाली इमली, इसको अपन ना इसका बीजा निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं फूल वाली इमली। ये तकरीबन उस इमली से दुगनी होती है। अगर बीज वाली इमली 20 रुपये या 30 रुपये है तो ये जस्ट आपको 50, 55 या 60 रुपये के आसपास मिलेगी। और ये इमली काफ़ी फ्रेश होती है और साफ़ सुथरी रहती है। हम लोग ना इसको तोड़ के फोड़ के एक पन्नी में लगा के स्टोर किए हुए हैं बहुत सारी, क्योंकि जब इमली का सीजन रहता है तो काफ़ी सस्ती मिलती है, 25 से 30 रुपये किलो, तो हम लोग ले लेते हैं। और ये छोटा सा टुकड़ा मैं आपको खा के बताऊँ, अभी खट्टा ही लग रहा है। ये सामने के दोनों बात गए। ये इमली बहुत, हम लोग एरिया की जो इमली होती है ना भाई, बहुत खट्टी होती है। तो आप लोग अपने हिसाब से चेक करते जाइएगा कि खट्टा हुआ कि नहीं। तो ये देखिए इमली को गुदला जा रहा है और उसका जो वेस्ट है यहाँ पे निकाला जा रहा है। ये वेस्ट हो गया, इसको फेंका जाएगा और पूरा पल्प निकाल के अभी टंकी में डाला जाएगा। तो पल्प निकालने के बाद ये अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया पत्ती का पेस्ट है, 1 चम्मच डाल दिया मैंने, 2 चम्मच डाल दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ना मुझे क्वांटिटी पता है कि कितनी डालनी है, ये मैंने पूरा डाल दिया। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या क्या डालूँगा, ये पूरा हो गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए 1 कटोरी जीरा धनिया का पाउडर जो कि हम लोग घर में बनाते हैं, आपको रेसिपी मेरे चैनल में मिल जाएगी। 1 कटोरी काला नमक अराउंड 150 ग्राम के आसपास, और 200 ग्राम के आसपास सफ़ेद नमक लगेगा आपको। 1.5 कटोरी के आसपास 200 ग्राम के आसपास सफ़ेद नमक लगेगा। और आप देख सकते हैं कि सफ़ेद नमक हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, टाटा का आई शक्ति, जो कि बेस्ट है, नमक बेस्ट यूज़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं और उसके बाद इसमें हल्की सी धनिया पत्ती काट देंगे। तो ये धनिया पत्ती काट दी, चलिए धनिया पत्ती मैंने उसमें पीस के भी डाली थी तो उसका अलग फ्लेवर आता है, बट आपको काटने के बाद जो डालोगे ना और ये पानी पूरी के ऊपर लग जाती है तो उसका अलग फ्लेवर आता है। तो अपना पानी बनकर अब रेडी है, सिर्फ इसको टेस्ट करना है और उसके बाद आपको कमी बताऊंगा उसको कैसी पूरी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको एक बार और हिला देते हैं, क्योंकि मसाले अगर पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं ना तो ही प्रॉपर आपको टेस्ट आने वाला है। तो चलो भाई साहब फाइनली चेक करके बता रहा हूँ मैं क्या कमी है क्या नहीं, एक्सपीरियंस काम आया कि नहीं मेरा। ये गया, सब परफेक्ट है, हल्का सा नमक कम है बस। चलो नमक डाल देता हूँ मैं 1 चम्मच और, ये नमक डाल दिया, अब ये घुल गया होगा तुरंत। तो चलो दोस्तों 1 मोर टाइम, और आपको ना सिर्फ पानी पूरी लेनी है, मसाला नहीं, क्योंकि पानी का चेक करना है ना। परफेक्ट, देखो आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ फिर भी चेक करना पड़ता है। तो चलो पानी बन चुका है, मैं अपनी दुकान सेट कर लूँ। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है अभी तक तो। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।